हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स फाइटर बर्ड्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सो गाइस, आज मैं आया हूं महेश जी की छत पे। महेश जी कौन है वो उनके भतीजे बताएंगे, जो कि हैं अर्जुन भैया। अर्जुन भैया के यहां पे आए हैं और वही शौक कर रहे हैं इस छत से, तो उनसे भी आपको मिलवाएंगे। और कबूतर खोलने का वक्त हो गया, तो पहले कबूतर खोल लेते हैं, उसके बाद आपको सारी बातें और पूरा अच्छे से शौक कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करें। सो गाइस, हमारे सामने अर्जुन भाई है। अर्जुन भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सब कुछ। कितने कबूतर हैं इस समय आपके पास? मेरे पास 150 कबूतर हैं इस टाइम। 150 कबूतर हैं जी। वाह भाई वाह। 95 कबूतर लड़ रहे हैं मेरे। अच्छा अच्छा। और बाकी नए हैं 55 कबूतर। वाह जी वाह। तो ये हमारे अर्जुन भाई हैं जिनकी ये छत है। तो चलिए और ये देखिए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह भाई। ये देखिए गाइस। और गाइस, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, 3-4 टुकड़ियाँ कम से कम, एक वहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अर्जुन भाई की उड़ चुकी है। और ये कुछ सेटअप है यहाँ पे। अर्जुन भाई, ये जो है जोड़ों का सेटअप है, और ये क्या है? ये ऐसे एक्स्ट्रा बना रखा है, एक्स्ट्रा जैसे बीमार वगैरह हो गया थोड़ा सा। और ये देखो, होय, वाह जी वाह। ये देख रहे हो गाइस, लाजवाब। ये अलग टुकड़ी है ना? हाँ जी, अलग है। मतलब खुलते ही टुकड़ी, मतलब आपके यहाँ सैदी काफी है? सैदी है या सुल्लाई भी है? सारे सैदी है, सुल्ला रखते नहीं किसी से। अच्छा, सुल्लाई है ही नहीं? सुल्ला करनी ही नहीं है किसी से। या फिर कोई कर, आप नहीं करते है, वो नहीं करते है? मैं नहीं करता। आप ही नहीं करते? नहीं करता। बहुत बढ़िया, मजा सैद में है। सैद में ना, सच बात है। और क्या, ये पकड़ लो सुल्लाई, दुबका लेता है साफ। क्या, तो मैं तो ऐसे, अच्छा तो उसका है तो उसको रख लो, हमारा है तो भाई तुम साफ बोलो सैदी है, पकड़ा देना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। वो तो कितने सैदी होंगे टोटल आपके? मेरे तो सारे सैदी है, 20-25 छते हैं। 20-25 छते हैं? वाह जी वाह, सारे सैदी है मेरे तो। मजा आने वाला, मगर सबका टाइम अलग अलग है। सबका भी टेक ही टाइम है खुलने वाले सबके। अच्छा जी। हाँ जी। तो मतलब 5-10 टुकड़ियां खुल जाएंगी? खुल जाएंगी अभी। वाह जी वाह, तो मजा आने वाला है गाइस आपको बहुत ज्यादा। और ये देखिए, लड़ चुके हैं कबूतर इस समय। हम थोड़ा सा साइड हो जाएंगे, भाई बुलाएंगे भी बेटा। ये देखिए, वाह वाह वाह, खुलते ही कुश्ती है ताओ में। 150 कबूतर भाई के पास हैं गाइस, और 50-60 तो ऊपर उनके भी वो लड़ ही रहे हैं। वाह वाह, बिठाए ने ले। शौक कीजिए, कबूतर नीचे उतार रहे हैं बेटा। लाजवाब लाजवाब, बड़े प्यारे प्यारे कबूतर हैं गाइस। मैं आपको आपको दिखाऊंगा, एक वाइट कबूतर मुझे वहां पे दिखा है, बहुत ही लाजवाब सिराजी, इतने लाजवाब सिराजी हैं भाई के पास। 2-3 सिराजी भी हैं, तुलसी सिराजी है, लाल सिराजी है, काला सिराजी है, चोटीदार है, लाल बंद है, काले हैं, बहुत ही बढ़िया कबूतर हैं। तो कुछ आपको मैं पास से दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। ये लीजिए, शौक कीजिए। वाह जी वाह, ये गाइस सिराजी का शौक कीजिए। और गाइस, जिस जिस की फोटो क्लिक कर रहे हैं वो आपको साइड में आपको शो होती रहेंगी, बड़े तसल्ली से आराम से शौक कीजिए उनका। क्योंकि फोटो में क्या होता है कि बिल्कुल अच्छे से कबूतर दिख पाता है, वीडियो में इतना अच्छे से नहीं आ पाता, मगर फोटो में और उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। वाह जी वाह, और चटक बहुत है, जैसे मैं पास जाता हूँ तो उड़ने को करते हैं। ये देखिए, ओए होए होए होए, लाजवाब लाजवाब सिराजी है, मुझे बड़ा पसंद आया गाइस। नज़र से बचाएं भगवान। और ये देखिए, वाओ नली मोच देखिए। वाह, दो भाई हैं पटेत, तीन है, तीन तीन भाई है ये। हाँ अच्छा, दो सबसे बड़ा चोटीदार है, एक सबज कावरा, एक सबज कावरा। तो अर्जुन भाई, ये घर के पट्टे हैं? ये घर के पट्टे मिलाए मैंने 60 इन में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। ये नली मोच जो है, ये कहाँ के? ये घर के बच्चे हैं। घर के बच्चे हैं? हाँ जी। बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे गाइस, मजा आ गया मजा। ये क्या, इन्हें क्या कहेंगे हम? तीतरे कहेंगे? ये तीतरे हैं, ये भी घर के बच्चे हैं। वाह जी वाह, मगर क्या गजब कबूतर रख रखे हैं आपने, लाजवाब खड़ान के कबूतर हैं, देख के दिल खुश हो गया। हमारे ताऊ जी बढ़िया पालते, हम भी बढ़िया पालेंगे। हाँ, अभी मैं उनके बारे में भी आपसे कुछ पूछेंगे, हम बातें करते रहेंगे। हाँ जी। तो वो उनके बारे में मैं जरूर जानना चाहता हूँ पूरा, है ना। तो गाइज, अभी पूरी कहानी बताएंगे। और ये देखिए, ये मौका ना छूट जाए आपसे। ओए होए होए होए, वाह जी वाह।
गाइस कमेंट में जरूर बताना आपको अर्जुन भाई के हमारे कबूतर कैसे लगे। ये लीजिए, उड़ गए वापस से। और पूरी वीडियो दिखाऊंगा, कहीं कट नहीं करेंगे, मतलब कट करेंगे मगर पूरा दिखाएंगे, पूरा शॉक कराएंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो, नहीं पूरी लंबी वीडियो बढ़िया से आराम आराम से शॉक कराएंगे आपको। ये देखिए उधर भी टुकड़ी खुली हुई है गाइस, और इधर भी हमारी है उड़ गई, उस तरफ भी खुली हुई है टुकड़ी। कुश्ती हो गई, ये देखिए यहाँ पे कुश्ती भी हो चुकी है। और मज़ा तभी है गाइस, खुलते एकदम कुश्ती हो जाए, पास में सैदी सुल्लाई सब हो, तभी मज़ा आया कबूतरबाजी का। मैं तो यही मानता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वाह जी वाह। तो गाइस नीचे आएंगे तो वीडियो को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, अभी कट कर देते हैं। सो गाइस फिर से हमने कंटिन्यू कर दिया वीडियो, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है इनको पास से देखने में, क्योंकि उड़ते हुए तो कबूतर हमने देख ही लिए, वो हर बार वैसे ही दिखेंगे, मगर जो पास से देखने का मजा है ना इन कबूतरों को, उसकी बात अलग है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये लखा आप देख रहे हो, लखा, ये लखा भी उड़ रहा है, लड़ रहा है, थोड़ा सा मिक्स में है मगर है तो लखा ही। देखो क्योंकि गर्दन भी गटगटा रहा है एकदम पूरी। वाह जी वाह, काबिले तारीफ है ये बात तो। ये देखिए वाह जी, और जिस जिसकी हम फोटो क्लिक कर रहे हैं आपको सामने शो हो ही रही है, लाजवाब लाजवाब। ये देखिए एक ये लाल जो है, ये वाला बड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है, ये भी घर का बच्चा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए काले चांदने को देखिए, ये देखिए लाल बंद, वाह वाह जी वाह। सिराज जी, तुलसी सिराज जी का तो मैं फैन हो गया सच में, आपके क्या कबूतर है सच में। इसका भाई तो मर गया, चप था इसका भाई है। हाँ वही हवा में पड़ा बोरा। बहुत ही लाजवाब फोटो कसम से इसकी, तो पूरे दिल्ली में देखने दिखाने लायक कबूतर। वाह जी वाह, गाइस शौक कीजिए। और भाई आप दोनों का परिचय आप भी बताइए, आप कौन हैं? ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं आपके, बहुत बढ़िया। और मुझे बताइए महेश उस्ताद जी, महेश जी जो थे वो थे कौन, और मतलब उनकी छत थी? वैसे मैंने इरफान भाई से सुन रखा है उनके बारे में काफ़ी, उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उनके काफ़ी ज़्यादा चहेते हैं, मतलब वो हमेशा उनके स्टेटस वगैरह डालते हैं। हमारे ताऊ जी हैं जी जी, उन्होंने हैदराबाद का शौक करा था जी जी, जंगल में खेत तोड़ाते थे आईटीओ पे जी जी, तो उस टाइम हमें होश तो था नहीं, बताते थे कि कभी कबूतर, फिर उन्होंने दोबारा पाले, हमने देखे कबूतर, उन्होंने हमारे फिर हमें उन्होंने सिखाया हुनर, उन्होंने हमें बहुत चीज़ें सिखाई, ऐसे नहीं बेटा, हमें डांटते थे कभी किसी को गलत मत बोलना, किसी शादी को जो बोल रहा है बोलन दो, शौक करो अपनी छत्ता करो, किसी के पास इधर फालतू बात मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, तुम्हें शौक करना अपना करो, जो बोल रहा है बोलन दो, अपने से मतलब रखो, किसी से फालतू मत बोलो। और अर्जुन भाई मैंने जैसे सुन रखा है उनके बारे में कि उन्होंने वो किसी मतलब उन्होंने उस्तादी वगैरह कुछ नहीं ले रखी थी, नहीं नहीं, वो बस उनके पास हुनर था, है ना, हुनर था। हाँ हुनर था, जो भुट्टो उस्ताद थे ना वो हमारे घर ही रहते थे। हाँ हमारे बाबा जिंदा है, अभी नीचे है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बताते थे भुट्टो उस्ताद वो काली मस्जिद ताऊ जी लेके आए थे उनको, तो उन्होंने वो ताऊ जी को बचपन से सिखाया सब चीज, सब उनका करा करा धरा है। तो महेश जी ने जो है उन्होंने खेतों में कबूतर दौड़ा, कितने कबूतर दौड़ाए? वहाँ उन्होंने 150 कबूतर उड़ाया, 150-200 कबूतर। बहुत बड़ी बात है, मतलब लाजवाब वाली बात है। कोई वो कहते हैं बोड़ा, कोई बोड़ा अंकल के नाम, वही उन्होंने हैदराबाद इकट्ठे कराए थे। बहुत पुरानी बात है, हम तो जानते नहीं है जी जी, कहते थे कि बड़ी दूर दूर से लोग शौक देखने आते थे वहाँ। और इरफान भाई जो है उनके बहुत चहेते हैं, इरफान उनके बारे में इतनी बातें करते हैं ना, इरफान भाई का तो यहाँ पे घर जैसा आना जाना था। हाँ नहीं उनके बारे में काफी बात करते हैं, और उन्हीं से जो मैंने आप कुछ अपने वजह से बताई है वो उन्हीं से सुन सुन के बताई, काफी बातें करते हैं उनके बारे में। इरफान भाई जो हमें जो हमने नहीं सीखा वो इरफान भाई ने हमारे यहाँ सीख रखा है। सही बात है सही बात, इरफान भाई को अपने बच्चे की तरह रखा उन्होंने। ना नहीं बात है, वो हमेशा हर हफ्ते हर साल वो उनकी मैं देखता हूँ उनके स्टेटस पे महेश जी की फोटो लगती है, उन्होंने ताऊजी को ही करा है। नहीं सही बात है, तो जैसे कि मैंने आपको अर्जुन भाई से भी उनकी कहानी बताई थोड़ी सी, क्योंकि मैं बताता तो फिर आप सोचते पता नहीं मैं किस क्या कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बेसिकली जो महेश जी थे वो ये भतीजे हैं उनके, और वो ताऊ जी थे। तो चलिए कबूतर दोबारा से उड़ चुके हैं, और शौक कीजिए मज़े से, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस आपको कैसा लग रहा है कबूतरों का अर्जुन भाई के यहाँ पे शौक, ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कौन कौन सी सिटी से बोल रहे हैं, किसी की कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं,
वो जरूर बताइएगा, मुझे बड़ा उसमें दिलचस्पी आएगी। तो जरूर आप मेरे को बताइए कि आप कौन कौन सी सिटी से हैं, अपनी सिटी का नाम जरूर बताइएगा। और ये देखिए बहुत और मेरे से कोई गलती हो रही हो अगर कबूतरों को कबूतरों के उसमें, तो आप जरूर बताइएगा कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ, अगली बार से मैं सुधार पा सकूँ। लाजवाब मुझे। चलिए अब फिर से उड़ रहे हैं, लड़ लेते हैं। और वैसे अर्जुन भाई कोई अभी कबूतर फंसते तो नहीं होंगे, सबके एकदम टाइट हो रखे होंगे ना? हाँ, सबके गर्दान है, सबके एकदम टाइट गर्दान है, मैंने नए मिलाए हैं। अच्छा अच्छा, 10 दिन बाद सारे मिला दूंगा जितने भी हैं। अच्छा, अभी अंदर भी है गाइस ये पे। और ये आप कहाँ से ला रखे हो कबूतर जो है? ये कबूतर मैं त्रिनगर से लाया था। सो गाइस जो त्रिनगर, बता दूं मैं उनके बारे में, एक आशु भाई हैं, हमें दिला के लाए थे, दीपक भाई के यहाँ से कुछ कबूतर। हाँ दीपक भाई, उनके यहाँ वीडियो भी हमने बना रखी है, आपको दिख जाएगी। तो कुछ ये कबूतर हैं, अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे उनके। और नितिन भाई और दीपक भाई करते हैं शौक, उनके यहाँ वीडियो बना रखी है, तो उनके यहीं से आए कबूतर भाई हमारे। और ये चेक कीजिए, वाह जी वाह। अरे तजा, अर्जुन भाई आपके जो कबूतर हैं वाकई में बहुत बढ़िया हैं, सच में एक एक कबूतर छांट के आपने तैयार किया हुआ है, और जो आपके पट्टे हैं वो भी लाजवाब है, सच में आपकी जो मेहनत है वो दिखती है सच में। कल मेहनत सिखाई हमें करना, गाली दे दे के हमारे बाबा कहते क्या पाल लगा है ने हटा। सही बात, पहले हमने नपते बुरे पाल लगे थे, कह रहे क्या कबाड़ा पाल लगा है। जी जी जी, वो कह रहे अच्छे पाल। सही बात है, अच्छे पाल लगा जब इज्जत बनेगी। आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं कबूतरबाजी में, कि कबूतर तो किस तरह कबूतर पालें या क्या है, कोई अपने तरफ से मैसेज? देखो मेरा कहना तो ये है, जिसका जैसा मन करे वो कबूतर पाले। जी 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 जी, कोई अच्छे पालता है। हाँ। समेत मेन में सारे अच्छे हैं, सारे एक बराबर है, दाना उसको भी खिलाना है, उसको भी खिलाना है। सही बात है, बिल्कुल सही। नुमाइंदे में कबूतर वाइन में सारे कबूतर एक बराबर है। सही, तो ये देख लो, ये कुछ शौक करो। वाह भाई, हल्की सी धूप भी आ गई है, पास से आपको और दिखाता हूँ। तो अर्जुन भाई आप कितने मतलब कितना टाइम हो गया आपको, सालों से कर रहे हो क्या शौक? मेरे को बचपन से शौक है। बचपन से? हाँ जी। वाह जी वाह, घर वाले डांटते थे, हम दुबक दुबक के देखते थे। फिर पापा कहने लगे चलो करो। हाँ। करो ढंग कर लो, फिर और क्या। सही बात, तो मतलब आपको परमिशन देते हैं इस चीज की? हाँ, लेकिन टाइम टेबल है। अच्छा अच्छा, हर चीज का टाइम टेबल है। सही बात, अपना दुकान अपना काम भी देखना है, पापा ने कहा अपना काम भी देखो, कबूतरबाजी करो। नहीं सही बात, हर चीज टाइम के हिसाब से। सही, ये नहीं कि इसी में पूरा दिन डूबे। नहीं नहीं, हमारा टाइम टेबल है, हम शाम को आते हैं 4:30 बजे आते हैं, अपना 6:30-7 नीचे उतर के चले जाते हैं, अपने फिर अपने मार्केट चले जाते हैं दुकान पे। सही, तो गाइस कबूतरबाजी के साथ काम भी जरूरी, जैसे कि अर्जुन भाई बता रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब दिन भर कबूतरबाजी में डूबे रहो तो काम छोड़ दो, ऐसा नहीं, शौक भी करो और काम भी करो। गाइस ये नली मोच देखो, चोटीदार, बड़ी प्यारी आंख का कबूतर है, शायद धूप में आपको नहीं दिख रहा होगा मतलब यहाँ पे कैमरे में, मगर मैं पास से देख पा रहा हूँ, बहुत ही प्यारा कबूतर है। और ये काला सिराजी देखो, हेलो। हाँ हाँ हाँ, बनाना है नहीं। तो गाइस ये देख लो टुकड़ियां, देखो आप 1, 2, 3, 4 टुकड़ियां हैं, उधर की तरफ भी है। और ये देखिए, वाह जी वाह, अब आएगा मजा आपको, ये देखो पूरी एकदम, ओए होए होए होए, ओ भाई साहब ये देखो 400-500 कबूतर तो अर्जुन भाई हो गया हुआ है, 500-600 कबूतर है ना, ये देखो ये देखो, ओए होए लाजवाब।
और सबके गिरदान कबूतर हैं, सभी के। गाइस ये चेक करो मजे से, बिठा बिठा, बुला रहे हैं सब धीरे धीरे अपने कबूतर बुला रहे हैं। मेरे को बिठाने पड़ेंगे ऊपर से। सबने अपने अपने बुला लिए। अर्जुन भाई ने ये लो जी नीचे आ गए। सो गाइस अब थोड़ा ऊपर आ गए हैं, ऊपर वाली छत पे, और ये देख लो नीचे कबूतर हैं, और ऊपर से आपको थोड़ा नज़ारा दिखा रहे हैं। एक भाई की छत यहाँ पे भी है, एक वो बैठे सामने ऑरेंज वाली पे, एक वहाँ पे है, आपको दिखाते हैं। एक यहाँ से बैठे, वो है। ये देखो एक उधर है, इसके पीछे ये बिल्कुल, इसके नीचे भी एक और, एक भाई हमारे ये हो गए, एक उधर और एक उधर, एक इधर वो बैठा वहाँ से, वो कुर्सी यहाँ भी तो कबूतर है, ये तो हमारे कबूतर हैं ये भी। अच्छा एक इधर, ये टाइम पास कर रखे हैं चाचा ने। और ये चेक करो गाइस, एक छत तो ये भी खुलती है, ये तो खुली नहीं अभी। कौन सी? ये वाली। अच्छा यहाँ पे भी है। हाँ आपको वाली छत पर लेकर जाऊंगा अगली बार, वो हैदराबादी खोले हमें ताऊ जी बैठे हमारे। अच्छा अच्छा, वो भी नया मकान लिया है ना वाला, कबूतरबाजी के हमारे लिए, वहाँ भी सवा सौ हैदराबादी छोड़ा ला के। ये देखो तो कितने रुपये पर होंगे वो हम लाए हैं? 700 पर के। 700 रुपये? हाँ जी। ये छत भी आपकी बड़ी अच्छी लग रही है। ये तो चाचा जी की छत है, जोड़े जोड़े रख रखे हैं। नहीं उड़ाने वाले इरफान भाई ले गए। अच्छा उड़ाने वाले थे सर, इरफान भाई को भेज दिया उन्होंने। ये देखो ये देखो, ये कावरा पटाया था। ये देखो गाइस शॉक करो, अरे वाह, ये से क्या कहेंगे हम, कटारदार कहेंगे इसको? नहीं नहीं ऐसी कावरा है। अच्छा बहुत, ये पटैतो का है। वाह जी वाह, कौन सा है ये? तुलसी शिराजी। तुलसी शिराजी, वाह जी वाह, ये बिल्कुल प्रॉपर है ना ये मार्किंग में वैसे? हाँ जी। सो गाइस मैं आपको बता भी दूं, जो शिराजी है बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग में, चोंच से बिल्कुल पूरे एकदम सही, और पर भी दिखा दो एक बार अर्जुन भाई। ये देखो कोई वाइट पन नहीं है, और मैदूम है ये। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। ये कौन सा अर्जुन भाई? काला चांदना। काला चांदना, वाह जी वाह, ये देखो ओए होए होए होए, दसों बड़ा चांदना। तो ये कैसे, ये क्या खरीद के लाए थे आप, ये क्या ये है? मेरे घर के बच्चा है ये भी। वाह वाह पूरा, एक बार सामने से दिखा दो बस। ए लो गाइस शॉक कीजिए, छोड़ दो। लो गाइस शॉक कीजिए, हाथ में भी आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे भी ऐसे दिखा रहे हैं। थोड़ा अंदर लो पटैत, ये देखो जी, ओए होए चोटीदार, ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा आपके यहाँ का। वो सामने से दिखाओ इसको थोड़ा सा, सच में जवाब दो। एक मिनट साले, हाथ में पकड़ता नहीं ना, नहीं गुच्च हो जाते हैं एकदम। एक पर और दिखा दो इसके, ये देखो गाइस छोड़ दो। ये लो गाइस शॉक कीजिए, वाह जी वाह। कमेंट में ज़रूर बताना अर्जुन भाई कबूतर आपको कैसे लग रहे हैं। अर्जुन भाई और कौन सा है? घाघरा। ये देखो पीले गंडों का, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया। एक बार सामने से दिखा दो इसका पोटा, देखो कितना प्यारा है बिल्कुल। वाह जी,
ये देखो गाइस मैगपाई, ये मेल है। वाह जी वाह, मैगपाई। ये देखो गाइस, शॉक कीजिए, इनका चेहरा देखो कितना बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत एकदम पतला सुतावा कबूतर है। वाह जी, कौन सा अर्जुन भाई है? काला कबरा छोटे थे। वाह जी वाह, अरे वाह गाइस, वाह, पर भी बड़े प्यारे हैं, बहुत बड़े, बहुत सही। और दिखा दो एक बार, सामने से दिखाओ इसको, बहुत चांदनी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। घंटे देखो, तीन तीन घंटे हैं एक तरीके से। हाँ, तीन घंटों की है। बहुत बढ़िया, मिलते गए हैं ऐसे सच में। ये देखो बबनी नीचे बबना बबना पना रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, तो गाइस शॉक कीजिए। ऑफ कर लो, ये देख लो अंधेरा हो चुका है। हम यहाँ 5 बजे आए थे, 6:30 बज रहे हैं इस समय, और ये देख, हेलो हेलो, अभी कर रहा हूँ वीडियो। तो अर्जुन भाई बहुत मज़ा आया आपकी इस छत पे आके, और बहुत बढ़िया शौक रख रखा है आपने, बहुत मज़ा आया। थैंक यू आपने हमें अपनी छत पे बुलाया, तो नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाइएगा जब दौड़ आप करें या कोई भी नए कबूतर। दौड़ तो पक्का करूँगा। हाँ, तो हमें ज़रूर इन्वाइट कीजिएगा। और कुछ बोलना चाहते हैं अगर आप? मैं तो कोई नहीं बोलना, मैं शौक करो, प्यार क्या करो, सबसे बढ़िया बात ये है, कोई लड़ाई झगड़ा मत करो। आपके साथ मिलके भी बहुत मजा आया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और ऐसे ही आप शौक करते रहें आगे, हम आपसे मिलते हैं। शौक रखो छत का, नीचे कोई शौक मत करो। जैसे आपने बताया कि आपके सहदी हैं, मगर आप, हम छत का शौक करते हैं। सही बात, हम सारे नीचे एक हैं। सही बात, अच्छी बात है ये। मुझे जब कैमरा ऑफ था तो मुझे अर्जुन भाई ने बताया था कि सहदी हम सिर्फ छत छत के हैं, नीचे हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं अच्छे से। हम उनके जाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं। जी जी, ऐसे कोई किसी के नहीं जाता होगा। हाँ, ऐसे नहीं कि दुश्मनी से आती तो बात ही नहीं करनी छोड़ शायद है। सही बात है, सही। हाँ। नहीं बहुत बढ़िया। हाँ। तो चलिए अर्जुन भाई हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। और अगर वीडियो गाइस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।